दोस्तों आज के इस वीडियो में ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव यहां पे बुक करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट आप कहां से बुक करेंगे, कैसे आप सस्ता फ्लाइट टिकट फाइंड करेंगे और बुकिंग करते समय लाइव आपको दिखाया है कि कैसे आप डिस्काउंट कूपन का यूज करके सस्ता फ्लाइट टिकट निकाल सकते हैं, फ्री में सीट सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर टिकट कैंसिल करना चाहे तो कितना चार्जेस कटेंगे, रिशेड्यूल करना चाहे टिकट को तो कितना चार्जेस कटेंगे, बच्चे के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं तो क्या उसका पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने आज तक कभी भी फ्लाइट टिकट बुक नहीं किया है खुद से तो आज का इस वीडियो देख के 100% आप फ्लाइट टिकट बुक कर पाएंगे। और हाँ, फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद कब वेब चेक इन करना है, कैसे आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है, कैसे आपको फिजिकल बोर्डिंग पास लेना है, फ्लाइट के अंदर क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते हैं, सारा कुछ बता दिया हूं आज के इस वीडियो में। चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक फ्लाइट टिकट को बुक करके मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आप हमेशा इनकॉग्निटो विंडोज को ही यूज करें। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के मेन्यू में जाना है, न्यू इनकॉग्निटो विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेश इस तरीके का विंडोज खुल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और प्रो टिप्स मैं आपको बता देता हूं जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। अगर आप एक ही लोकेशन के ऊपर बार बार फ्लाइट टिकट सर्च करते हैं या आपस में बात करते हैं कि हमें फ्लाइट से जाना है, इस डेट को जाना है, तो गूगल एड का जो AI सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है। तो जब भी आप उस लोकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो वहां पे फेयर आपको ज्यादा दिखाया जाएगा। तो जिस लोकेशन से आप बार बार फ्लाइट टिकट चेक कर रहे हैं उस लोकेशन के अलावा किसी फ्रेश लोकेशन और फ्रेश डिवाइस से फ्लाइट टिकट बुक करें तो सस्ता आपको पड़ेगा। चलिए अब इनकॉग्निटो विंडोज हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे कई सारे वेबसाइट है जो फ्लाइट टिकट इशू करते हैं, जैसे कि पॉपुलर हो गया MMT, उसके बाद IRCTC फ्लाइट, उसके बाद आ जाता है GoIBO और booking.com। तो चलिए आज मैं फ्लाइट टिकट आपको बुक करके दिखाता हूँ मेक माई ट्रिप से। हालांकि ये बुकिंग का जो प्रोसेस आप समझ लेंगे तो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से बुक कर लेंगे बड़ी आसानी से, प्रोसेस सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं MMT ओपन कर लेता हूँ और MMT का ऑफिशियल वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करके और OTP सबमिट करके आपको लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लाइट बुकिंग प्रोसेस का। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला आ जाता है राउंड ट्रिप, यानी कि जाना और आना दोनों का ही आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है। और तीसरा आ जाता है मल्टी सिटी, यानी कि एक सिटी में जाना है, फिर दूसरे सिटी, फिर तीसरे सिटी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं वन वे सिलेक्टेड करने वाला हूँ, यानी कि मैं कहीं जा रहा हूं या मैं कहीं से आ रहा हूं, बस एक फ्लाइट का हमें टिकट बुक करना है। तो यहां पे मैं वन वे सेलेक्ट कर लेता हूं। इसी के साथ साथ अगला आ जाता है हमें कहां से कहां तक जाना है। तो फ्रॉम में आपको डाल लेना है और टू में आपको डाल लेना है। एग्जांपल के लिए मुझे जाना है पटना से, जैसे ही पटना यहाँ पे मैं लिखा हूं तो पटना से रिलेटेड जितने भी एयरपोर्ट है यहाँ पे आ चुके हैं। तो पटना लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला हमें जाना है, पटना से जाना है दिल्ली, तो यहाँ पे मैं दिल्ली लिख लेता हूँ। दिल्ली टाइप करते ही दिल्ली के आसपास जितने भी एयरपोर्ट है ऑप्शन आ चुके हैं, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख लीजिए, अगला हमें ट्रेवल डेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि डिपार्चर डेट हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो इस कैलेंडर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए कैलेंडर खुल के आ चुका है और कैलेंडर के साथ साथ यहाँ पे नीचे प्राइस भी लिखा हुआ है, सभी डेट में एक प्राइस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट को सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट इतने रुपए का अवेलेबल है। हालांकि मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है लेकिन सबसे सस्ता इतना अमाउंट का आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट मंथ को भी मैं देख लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ये यहाँ पे 7 तारीख को हमें 4520 रुपए में टिकट मिल रहा है, तो इस डेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है ट्रेवलर और क्लास, यानी कि कितने लोग हम ट्रेवल करने वाले हैं और कौन से क्लास में हम बुकिंग करने वाले हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कितने लोग आपके साथ ट्रेवल करने वाले हैं, सबको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मैं एक ही सेलेक्टेड रहने देने वाला हूँ। और अगर आपके साथ बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कि 2 साल के नीचे का बच्चा हो या 2 साल और 12 साल के बीच का बच्चा हो, तो उसे भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बच्चे का फ्लाइट टिकट लगता है यहाँ पे फ्री बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2 साल के नीचे का बच्चा अगर आपके पास है तो उसका इंडिगो के तरफ से फिक्स प्राइस है 1500 रुपया, यानी कि आप कहीं भी ट्रेवल करो 1500 रुपया उसका देना ही पड़ेगा बच्चे का, चाहे आपका टिकट 2000 का हो चाहे आपका टिकट 20000 का हो, बच्चे का फिक्स है। और उसका सीट नहीं मिलेगा, आपको गोदी में बैठा के ले जाना होगा। इसी के साथ साथ 2 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उसका भी आपको टिकट कराना होगा, इसका सीट भी आप सेलेक्ट कर सकते।
सकते हैं। इसी के साथ साथ एडल्ट जो 12 साल के ऊपर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज हम टिकट बुक करने वाले हैं एक फ्रेश एडल्ट का, कोई बच्चा साथ में नहीं रहने वाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लास देख लीजिए, यानी कि किस क्लास किस कैटेगरी में आप फ्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमी रहने देने वाला हूँ जो कि सबसे सस्ता इसी में होता है, और अप्लाई के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए तो इतना चीज फिल करके हम सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन है तो आपको कैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए रेगुलर फेयर में सेलेक्टेड है, नॉर्मली आपको इसके ऊपर सेलेक्टेड रखना है। अदरवाइज अगर आप आर्म फोर्स यानी कि फौजी वगैरह में है, आर्मी में है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करते हैं यानी कि स्टूडेंट आईडी प्रूफ है आपके पास तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, डॉक्टर नर्स है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मली एडल्ट के टिकट बुक करने वाला हूँ तो सर्च के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए हमारा फ्लाइट सर्च में जा चुका है। अब देख लीजिए पटना से दिल्ली तक का उस डेट में कितने फ्लाइट अवेलेबल है, सब यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे फ्लाइट निकल के आ चुके हैं जिसका प्राइस 5400, 5600, 5600, बहुत सारे फ्लाइट है, बहुत सारे टाइमिंग के ऊपर चलते हैं। तो चलिए किसी एक फ्लाइट के बारे में हम डिटेल में आपको बता देते हैं और एक बुक करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे डेट फिर से यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके आसपास का डेट का सभी यहाँ पे प्राइस के साथ निकल के आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए चीपेस्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और अगर आप नॉन स्टॉप फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नॉन स्टॉप का मतलब ये हो गया कि पटना से हमें दिल्ली जाना है, तो हो सकता है फ्लाइट पटना से पहले कोलकाता जाए और कोलकाता से दिल्ली आए, तो ये नॉन स्टॉप फ्लाइट हो गया। खैर चलिए अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। ये फ्लाइट देख लीजिए इंडिगो का फ्लाइट है, 20:20 यानी कि 8:20 शाम को ये पटना से चलेगा, 1:50 का नॉन स्टॉप फ्लाई करेगा और 10:10 में ये न्यू दिल्ली पहुंचा देगा, ठीक है। और इसका प्राइस है 4520 रुपया पर एडल्ट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, ये जो 20:20 है ये फ्लाई करने का समय है, इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मेरा घर है समस्तीपुर में, मैं पटना से फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हूँ 8:20 का, तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा 8:20 का फ्लाइट है यानी कि 6:20 में हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। तो समस्तीपुर से पटना क्या हम 6:20 तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये आपको जरूर कैलकुलेट कर लेना है किसी भी फ्लाइट टिकट बुकिंग करने से पहले। यानी कि ये जो टाइमिंग है इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि आपको बैगेज जमा कराना होता है, सिक्योरिटी चेक इन होता है, बोर्डिंग गेट खोजना होता है, और इतने सारे भीड़ होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। हालांकि छोटे एयरपोर्ट के ऊपर कम भीड़ होते हैं लेकिन एवरेज आप 2 घंटा मान के चलो। चलिए तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। व्यू प्राइस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, 2-3 कैटेगरी में बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे देख लीजिए सेवर कैटेगरी है, ठीक है, ये 4520 रुपए का है। अगला आ जाता है MMT स्पेशल, ये है 4734 रुपए का। उसके बाद है फ्लेक्सी प्लस, ये है 4913 रुपए का। तो यही 4500 वाला फ्लाइट अगर आप 4700 में बुक करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है, कैंसिलेशन फी आपको 3000 रुपए ही लगेंगे। हालांकि कैंसिलेशन फी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगर आप सेम फ्लाइट टिकट को 4900 में बुक करते हैं तो कैंसिलेशन फी सिर्फ 2500 रुपए लगने वाले हैं। तो यहाँ पे तो कहूंगा कि आप ये सबको बिल्कुल भी मत देखो, मैं भी हमेशा सिर्फ ये चीप वाला ही फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये फ्लाइट टिकट हमें बुक करना है तो यहाँ पे देख लीजिए कैबिन बैग यानी कि जो आप हाथ में ले जा सकते हैं वो 7 किलो तक ले जा सकते हैं, हालांकि इसका वजन नहीं किया जाता है, लोग ज्यादा भी ले जाते हैं। और चेक इन बैग ये आपका वजन होता है यानी कि आप जो बेल्ट के ऊपर सबमिट करवा देते हैं और अगले एयरपोर्ट के ऊपर आपको रिसीव जो करना होता है ये वजन होता है, और ये 15 किलो का होना चाहिए, उससे ज्यादा का होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिया जाएगा। और एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़ा बहुत नहीं, आपका टिकट से महंगा भी आपका सामान हो सकता है अगर 1-2 किलो भी ज्यादा हो जाए तो। चलिए इसी के साथ साथ कैंसिलेशन फी यहाँ पे 3000 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कैंसिल करोगे टिकट तो 3000 फिक्स प्राइस है जो कि कटेगा ही कटेगा, उसके बाद जो बचेगा पैसा वही आपको वापस किया जाएगा। और डेट चेंज करना चाहे तो 2750 रुपए कटेंगे। तो मान के चलिए आप जो नया डेट में फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं वो 5000 का है और इस टिकट में आपका 2700 रुपया कट गया, तो 4500 में से 2700 माइनस हो जाएगा और जो अमाउंट बचेगा वो अगला टिकट में एडजस्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट जो कम पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए सीट भी चार्जेबल है, यानी कि इस प्राइस में आपको सिर्फ टिकट मिलेगा, सीट अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ हम समझ चुके हैं, बुक नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो चलिए अब हमारा फ्लाइट का फुल डिटेल आ चुका है, पटना से न्यू दिल्ली का फ्लाइट है नॉन स्टॉप 1:50 का, एयरक्राफ्ट A320 रहने वाला है और फ्लाइट नंबर यहाँ पे आ चुका है, समय भी आपका आ चुका है यहाँ पे, और सारा कुछ जो हमने आपको कवर कर दिया है वो सब कुछ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है।
और यहाँ पे टिकट का प्राइस भी 4520 रुपये आ चुका है। और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रिप सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए 214 रुपये पर पैसेंजर लगने वाले हैं, और उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ, तो नो आई विल नो बुक विथ दिस सिक्योर ट्रिप, तो नो कर देता हूँ। अगर आप इस इंश्योरेंस को लेते हैं यस करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 214 रुपया ट्रिप सिक्योर के नाम से एड हो चुका है, प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कोई इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल हमें ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालना है और मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका कोई जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे डाल देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं ट्रेवलर डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करके आगे बढ़ता हूँ। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे। व्यू ऑल कूपन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 160 रुपये का कूपन अवेलेबल है, 125 रुपये का, 452 रुपये का, 250 रुपये का। इसमें क्या है कि MMT UPI यानी कि इस टिकट को आप UPI से बुक करेंगे तभी ये 160 रुपये का बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा आ जाता है MMT बोनस, तो ये MMT की तरफ से बोनस है, ये आप किसी भी पेमेंट मेथड से बुक करोगे तो 125 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड को सेलेक्ट करने के बाद। इसी के साथ साथ अगला है MMT MBK, इसका टर्म्स एंड कंडीशन में देख लेता हूँ क्या है, लेकिन ये वाला 452 रुपये सबसे ज्यादा अमाउंट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 452 रुपये का डिस्काउंट कोड अप्लाई हो चुका है और माइनस होकर 4068 रुपये ही हमें पेमेंट करना है, और यहाँ पे हमने पैसेंजर डिटेल भी एड कर लिया, तो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे देख लीजिए नेम कन्फर्म करना है, सही है विकास कुमार महतो, और कंफर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, कुछ सीट फ्री भी है और कुछ सीट पेड भी है, तो देखिए यहाँ पे जो जो ग्रीन ग्रीन है ये सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और साइड वाले जितने भी सीट होते हैं विंडो सीट होते हैं, बीच वाले आपको मिडिल सीट हो गए और ये साइड वाले साइड सीट हो गए, और जो फ्री सीट है वो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट के पीछे में 2-3 सीट फ्री वाला है 0 चार्जेस के ऊपर, तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक्सल सीट यानी कि बड़ा सीट है, तो ये आप लेंगे तो ये थोड़ा सा, ये देख लीजिए 1200 रुपये का ये सीट है। तो चलिए हम यहाँ पे एक सीट सेलेक्ट कर लेते हैं विंडो सीट, जो कि 250 रुपये एडिशनल हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि फ्री वाला सीट हम नहीं ले रहे हैं पीछे वाला। और स्क्रॉल अप डाउन करके आप फ्लाइट का पोजिशन देख सकते हैं मैप में। चलिए हमने सीट सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे खाने पीने का कुछ एड करना चाहे तो एड कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लाइट में भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मील्स में कुछ भी नहीं सेलेक्ट करने वाला हूँ, सीधे कंटिन्यू कर देते हैं। अब देख लीजिए कुछ एडिशनल फीचर्स दिए जा रहे हैं कि एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए कैब चाहिए तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, ये सब कुछ हम नहीं सेलेक्ट करने वाले हैं, सीधे हम प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ओके, ये आ चुका है पेमेंट पेज के ऊपर, फिर से ये यहाँ पे फाइनल अमाउंट 4627 रुपये आ चुका है। आप बोलोगे प्राइस बढ़ कैसे गया 4000 था, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोसेसिंग फी 559 रुपया MMT जो लेता है वो यहाँ पे एड हो चुका है। तो यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट को कंफर्म करेंगे, उसके बाद टिकट आपका बुक हो जाएगा। जैसे ही आपका टिकट बुक हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ टिकट आपको कहाँ पे देखना है। मेक माई ट्रिप के होम पेज के ऊपर हम आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रोफाइल वाले सेक्शन के ऊपर जाना है, माई ट्रिप के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपने टिकट बुक किया है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अपकमिंग में आपका शो होगा, लेकिन मेरा अपकमिंग में कुछ भी नहीं है, कंप्लीटेड में मैं आपको जाकर के दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए चंडीगढ़ से पटना का फ्लाइट टिकट है। व्यू एंड मैनेज बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए जो भी आपका फ्लाइट डिटेल है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड ई टिकट का ऑप्शन है, SMS और मेल के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, डाउनलोड इनवॉइस का भी ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड ई टिकट के ऊपर क्लिक करके मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको दिखेंगे और आगे का क्या प्रोसेस रह जाता है। यहाँ पे देख लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करने का ऑप्शन आ चुका है, सेव हमने कर लिया और टिकट मैं ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा टिकट डाउनलोड होकर के आ चुका है, यहाँ पे जो सबसे मेन है वो PNR नंबर है। ये देख लीजिए हमारा टिकट खुल के आ चुका है, इस टिकट में जो सबसे मेन है वो PNR नंबर है। तो ये देख लीजिए हमारा PNR नंबर आ गया और ये इंडिगो का फ्लाइट है। तो हमें अब वेब चेक इन करना होता है, जब भी आपका फ्लाई करने का समय होगा उससे 2 दिन पहले यानी 24 से 48 घंटा पहले आपको वेब चेक इन करना होगा, तब आपका बोर्डिंग पास जनरेट होता है और आपको सिर्फ बोर्डिंग पास के थ्रू ही ट्रेवल करना है। ये जो आपने टिकट कहीं से भी बुक किया है इससे आपको एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री सिर्फ बोर्डिंग पास से मिलेगा। हालांकि ये जो फिजिकल बोर्डिंग पास है ये तो काउंटर के ऊपर एयरपोर्ट में मिलता है, उससे पहले आपको ई बोर्डिंग पास यानी कि मोबाइल में बोर्डिंग पास निकालना होता है। तो बस दोस्तों मैं आशा करता हूं पूरा जानकारी मैं दे चुका हूं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।